नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का श्री गोविंदम क्लासेस पर। दोस्तों, हमने 12th एग्रीकल्चर के 11th के और जेट आई सर के नए बैच स्टार्ट किए हैं, जिनमें काफी बच्चों ने बढ़ चढ़ कर एडमिशन लिया था और उनके काफी सारे प्रश्न आए थे कि सब बैच में कैसे पढ़ाई करनी है, हमें वीडियो कैसे देखें, नोट्स कैसे देखें। सो उन सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए आज मैं आया हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आपको वो सारे डाउट्स, सारे प्रश्न जो है आपके, वो सारे क्लियर हो जाएंगे कि किस प्रकार से हम श्री गोविंदम क्लासेज ऐप के माध्यम से पढ़ सकते हैं। ओके, सो मैं आपको पहले कुछ बेसिक स्टेप्स जो है वो बता देता हूँ कि ऐप के अंदर बैच में जुड़ने के लिए आपको क्या करना होगा या फिर कोर्स परचेज करने के लिए क्या करना होगा। वैसे मैंने ऑलरेडी इसकी वीडियो बना रखी है। देखो, दो चीजें हैं। अगर आप 12th क्लास में हैं तो 12th क्लास के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम बैच बना रहे हैं। दो बैच चल रहे हैं हमारे, एक तो ओल्ड बैच चल रहा है, एक न्यू बैच चल रहा है। ओल्ड बैच में लगभग कोर्स भी कंप्लीट हो गया, ओल्ड बैच में एडमिशन बंद कर दी है। अभी न्यू बैच हमने स्टार्ट किया था लास्ट मंथ और उसको हम इस वीक के एंड में, ये वीक का जो है सैटरडे तक हम एडमिशन दे रहे हैं। उसके बाद में इस बैच को भी हम बंद कर दें, उसके बाद हम एडमिशन नहीं दी। बिकॉज एक फिक्स टाइम पीरियड में हमें भी कोर्स कराना होता है, प्लस बच्चों को अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन देना होता है। ऐसा नहीं कि आप ऐड करते जा रहे हैं, वो चीजें हम नहीं करते हैं। ठीक है, सो इस वीक के एंड तक हम 12th एग्रीकल्चर का न्यू बैच इसमें एडमिशन दे रहे हैं। अगर आप अभी तक एडमिशन नहीं लिया है, बैच में आप नहीं जुड़े हैं, तो आप जुड़ सकते हैं इस वीक के एंड तक। उसके बाद हम क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे, तो वो उसमें हम 2 महीने में कंप्लीट 12th एग्रीकल्चर का कोर्स करा देंगे। ओके, सो 11th और जेट आईसीआर वाले जो बच्चे हैं उनके लिए तो क्या है, उनके लिए हम अगर एक और वीडियो में बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि जैसे ही आप कोर्स परचेज करते हैं, कोर्स परचेज करते हैं, उसमें ऊपर देखना कंटेंट का ऑप्शन आता है, वहां पे जाके आपको सारे फोल्डर मिल जाते हैं, सब्जेक्ट मिल जाती है, वहां पे आप वीडियो और नोट्स आपको मिल जाएंगे। उनके लिए बहुत सिंपल है, लेकिन जो बच्चे बैच में ऐड होते हैं उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, तो उनको समझ नहीं आ रहा, उनके लिए मैं बता देता हूँ कैसे। सबसे फर्स्ट स्टेप तो आपको क्या करनी है कि आपको पेमेंट कराना होता है। पेमेंट आप दोनों तरीके से करा सकते हो, या तो आप ऐप के अंदर ही 12th का कोर्स जो है हमारा ऐप के अंदर आप ओपन करते हो, स्टोर का ऑप्शन आता है, स्टोर पे हमारे सारे कोर्स अवेलेबल हैं जो बहुत ही नाम मात्र की फीस में है। आप वहां से कोर्स परचेज करते हो, वहां पे आप पेमेंट करा सकते हो, हैंड टू हैंड आपको उसकी रिसिप्ट मिल जाती है। इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे हैं जो उनका फोन पे वगैरह चालू नहीं होता, तो हमने ये सुविधा दी है 12th एग्रीकल्चर वाले बच्चों को कि आप हमें डायरेक्ट हमारे अकाउंट नंबर पे फोन पे करा सकते हैं, तो हम आपको ऐड करते हैं। लेकिन इसमें ध्यान ये रखना है कि जैसे ही आप अदर, चाहे आप ई मित्र के द्वारा करा रहे हैं, आपके घर परिवार में किसी के माध्यम से करा रहे हैं, या फिर आप खुद भी डायरेक्ट कर रहे हैं, ध्यान ये रखना है कि आपको मेरे नंबर पे डायरेक्ट स्क्रीनशॉट भेजना है। स्क्रीनशॉट के साथ में आपका ऐप के अंदर श्री गोविंदम क्लासेज का जो ऐप है उसमें नाम और नंबर कौन सा है अच्छे से आप देख लें। कभी कभी ऐसा होता है आप अपना निकनेम डाल देते हो या फिर आप अपना ऑफिशियल नाम डाल देते हो, फिर हमें आप निकनेम भेजते हो, सर मेरा ये नाम है, ये नंबर है, सेट कीजिए, हमें वो नहीं मिलता है। जब तक आपका नाम नंबर ऐप के अंदर नहीं मिलेगा, आपका वेरिफिकेशन नहीं होगा, यहाँ से आपके स्क्रीनशॉट की आईडी नहीं लगेगी, तब तक आपको बैच में ऐड नहीं किया जाएगा, है ना। सो इसको आप एक ही बार अगर अच्छे से कर दोगे तो हम भी आपको तुरंत ही बैच में ऐड कर देंगे। तो ये प्रोसेस है, पेमेंट करने के बाद आपको स्क्रीनशॉट भेजना है, स्क्रीनशॉट भेजने के बाद में आपको नाम नंबर भेजना है, उसके बाद आप वीडियो और नोट्स कैसे देखें ऐप के अंदर बैच में, वो मैं आपको आज बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप ऐप को ओपन करेंगे। ठीक है, आपने पेमेंट करा दिया, स्क्रीनशॉट भेज दिया, इधर से हम आपको वेरीफाई कर दिया और हम आपको मैसेज कर देंगे या फिर कॉल कर देंगे आपको बैच में ऐड कर दिया गया है। उसके बाद कैसे पढ़ना है, जैसे ही आप ऐप ओपन करोगे आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखेगा, श्री गोविंदम क्लासेस दिखेगा। ठीक है, थोड़ी देर बाद में क्या होता है, ये ऐप कुछ इस प्रकार से दिखता है, जिसमें सबसे पहले आता है होम पेज। होम पेज पे क्या है कि हमारी जो भी एक्टिविटी है, बेसिक एक्टिविटी जो है वो दिखने लगती है, मतलब हमारे यहाँ पे जो नए कोर्स वगैरह जो लॉन्च होते हैं वो दिखते हैं, हमने कुछ फ्री वीडियो जो डाल रखी है, लेटेस्ट जो वीडियो अपलोड की गई है वो यहाँ पे आपको दिखती है। ठीक है, हम कुछ टेस्ट सीरीज लॉन्च करते हैं, फ्री टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करते हैं, वो आपको यहाँ पे दिखता है, प्लस कुछ ऑफर लॉन्च, ऑफर हम स्टार्ट करते हैं या फिर कोई अनाउंसमेंट करते हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखने लगती है। ओके, वो चीजें दिखती है होम पेज पे। आपको क्या करना है, होम पेज पे कुछ भी नहीं करना है, जैसे ही आप ऐप ओपन करोगे इस प्रकार से इंटरफेस दिखेगा, आपको नीचे देखना है बैच लिखा हुआ रहता है ना, सेकेंड फर्स्ट होम है, सेकंड नंबर पे बैच लिखा हुआ है, इसमें आपको क्लिक करना है बैच पे। जैसे ही आप बैच पे क्लिक करोगे, अब यहाँ पे हम आपको बोल देते हैं कि आपको बैच में ऐड कर दिया गया है, तो जैसे ही आपको बैच में ऐड कर दिया गया है, जिस बैच में आपको ऐड किया गया है वो बैच यहाँ पे शो होने लग जाता है। जैसे यहाँ बैच पे क्लिक करोगे तो जिस बैच में आपको ऐड किया गया है वो बैच शो होने लग जाता है। जैसे आपको 12th एग्रीकल्चर न्यू बैच में ऐड किया गया है तो 12th एग्रीकल्चर न्यू बैच शो होगा, है ना। अब मैक्सिमम बच्चे सोचते हैं कि बैच पे क्लिक करते हैं मुझे सारा मैटर मिलना चाहिए, मुझे नोट्स मिलने चाहिए, वीडियो मिलनी चाहिए, सारी चीजें यहीं चलनी चाहिए, वो पॉसिबल नहीं है। अगर सब कुछ यहीं चलेगा तो खिचड़ी पक जाएगी ना, क्योंकि इतनी सारी वीडियो है, इतने सारे नोट्स हैं, तो सारा मिक्स हो जाएगा। तो हमने क्या कर रखा है, उसको कैटेगरी वाइज डिवाइड कर रखा है। आपको सबसे पहले आपका बैच दिखेगा, आप किस बैच में ऐड हो, आप 12th एग्रीकल्चर न्यू बैच में ऐड हो, इस पे आपको क्लिक करना है, है ना। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कहीं क्लिक करो, आपको बैच पे क्लिक करना है। जैसे ही आप बैच पे क्लिक करोगे फिर आपको सामने कुछ इस प्रकार से दिखेगा। आपको क्या दिखेगा, सबसे ऊपर यहाँ पे 12th एग्रीकल्चर न्यू बैच लिखा हुआ रहेगा,
उसके जस्ट नीचे देखना एक पट्टी में, छोटी सी पट्टी में होती है, वहां पे ओवरव्यू है ना, ओवरव्यू के बाद में वीडियो, स्टडी मटेरियल, टेस्ट और अनाउंसमेंट, इस प्रकार के चार आपको ऑप्शन दिखते हैं। यहाँ पे क्या होता है, आप जैसे ही 12th एग्रीकल्चर न्यू बैच पे क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे टाइम टेबल दिखता है कि आपकी क्लासेस किस टाइम से होने वाली है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, कभी कभी चेंजेस होता है तो यहाँ पे टाइम टेबल और अनाउंसमेंट दिखते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, अगर आपको वीडियो देखनी है तो बैच के नाम के जस्ट नीचे आप एक छोटी सी पट्टी में वीडियो और स्टडी मटेरियल लिखा हुआ है, वहां पे आपको क्लिक करना है। वीडियो पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने वीडियो खुल जाएगी। अब ऐसा भी नहीं कि सारी की वीडियो आपको एक साथ ही मिल जाएगी, कभी केमिस्ट्री आ रही, कभी बायोलॉजी, कभी एग्रीकल्चर मिक्स हो जाएंगे, तो उनको भी हमने कैटेगरी वाइज कर रखा है। जैसे ही आप वीडियो पे क्लिक करोगे तो ऊपर सबसे ऊपर नाम आएगा बैच का, वीडियो आएगा, वीडियो में क्या क्या है, आपको एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की वीडियो आपको मिलेंगी है ना, तो उसका फोल्डर बना हुआ है, आपको एग्रीकल्चर की वीडियो मिलेंगी उसका फोल्डर है, तीसरी सब्जेक्ट हमारी एग्रीकल्चर बायोलॉजी है उसका फोल्डर है, और चौथा फोल्डर जो है वो है हमारे 12th एग्रीकल्चर का जो न्यू सिलेबस आया जिसके आधार पर ये बैच चल रहा है, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग बैच बना रखा है, तो वो बैच उसकी वीडियो है कि आप वो देख सकते हो भाई हमारे न्यू सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं, अगर आपको अभी तक पता नहीं है तो। ठीक है, तो आपको सब्जेक्ट के क्या हो जाते हैं, फोल्डर दिखते हैं। अब आपको जैसे कि केमिस्ट्री पढ़नी है मुझे तो है ना, तो केमिस्ट्री पढ़नी है तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट पे क्लिक करोगे, जैसे ही केमिस्ट्री सब्जेक्ट पे क्लिक करोगे तो उसमें क्या है, अब केमिस्ट्री में ऐसा तो नहीं सारी वीडियो आती है, उसमें भी क्या हमारे चैप्टर है 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से है ना। जैसे ही आप सब्जेक्ट पे क्लिक करोगे उसके अंदर जो चैप्टर जो हो चुके हैं अभी तक वो चैप्टर आपको यहाँ पे मिलेंगे 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से। अब आपको सपोज कीजिए मुझे फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है तो आप क्या करोगे, फर्स्ट चैप्टर पे फिर से आपको क्लिक करना होगा। हम हमारे मोबाइल के अंदर भी तो ऐसे ही करते हैं ना, गैलरी खोलते हैं, गैलरी में फिर बहुत सारे फोल्डर आते हैं, भाई मेरे को तो वीडियो देखनी है, वीडियो पे क्लिक करते हैं, वीडियो में फिर बहुत सारी वीडियो आ जाती है, भाई कौन सी वीडियो देखनी है, या आपको व्हाट्सएप वीडियो देखनी तो व्हाट्सएप वाला फोल्डर होता है ना, कैमरा रोल का अलग से फोल्डर होता है, तो कई सारे फोल्डर होते हैं। जिस कैटेगरी की वीडियो आपको देखनी, जिस कैटेगरी का फोटो देखना उस पर आप क्लिक करते हो, सिंपल वही चीज यहाँ पे है। आपको केमिस्ट्री पढ़नी है, केमिस्ट्री की वीडियो देखनी है तो केमिस्ट्री पे क्लिक करोगे, जैसे ही क्लिक करोगे तो उसके अंदर जो जो चैप्टर है उनकी लिस्ट आ जाएगी, भाई ये चैप्टर केमिस्ट्री में अभी तक हो चुके हैं, उस पर क्लिक करोगे। सपोज कीजिए फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है तो फर्स्ट पे क्लिक करते हैं, उस फर्स्ट चैप्टर के अंदर जितने भी पार्ट हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 पढ़ा चुके हैं, वो सारे आपको यहाँ पे दिखने लग जाते हैं। अब उनमें से आपको कौन सा पढ़ना है, अगर आपने वो चैप्टर अभी तक नहीं पढ़ा है तो फर्स्ट चैप्टर से पढ़ना स्टार्ट कीजिए, फर्स्ट ऑफ पार्ट से, तो पार्ट 1 पढ़िए, उसके बाद पार्ट 2 पढ़िए, फिर पार्ट 3 पढ़िए, फिर पार्ट 4 पढ़िए, इस प्रकार से। हो सकता है यहाँ पर इनका अरेंजमेंट कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है ना, पार्ट 3 4 ऊपर नीचे आ गया, 1 4 पहले आ गया, फर्स्ट नीचे है, तो वो चीज देख लें कि भाई पहले पार्ट 1 पढ़ना है, पार्ट 1 पढ़ लिया तो फिर पार्ट 2 पढ़ना है, फिर पार्ट 3, फिर पार्ट 4, इस प्रकार से है ना। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में चैप्टर, चैप्टर के अंदर उसके वीडियो, तीनों सब्जेक्टों में इसी पे आपको वीडियो मिली है ना, तो यहाँ से बहुत ही इजी गोइंग आप जाके वीडियो देख सकते हो, इसमें कोई ज्यादा साइंस नहीं लग रही है। उसके बाद सेम ऐसे कि आपको नोट्स भी पढ़ने हैं उसी चैप्टर के, जिस चैप्टर के आप वीडियो पढ़ रहे हो, तो सपोज करो आपको नोट्स पढ़ने हैं, तो जब आपने यहाँ पे 12th एग्रीकल्चर बैच में वीडियो पे क्लिक किया था तो वीडियो के फोल्डर खुले थे, जैसे ही आप स्टडी मटेरियल पे क्लिक करोगे तो आपको स्टडी मटेरियल के फोल्डर खुलेंगे, वो भी सेम। भाई स्टडी मटेरियल में क्या होते हैं, आपको नोट्स मिलते हैं। अब नोट्स भी हमारे तीनों सब्जेक्टों के होते हैं, केमिस्ट्री के होते हैं, एग्रीकल्चर के होते हैं, बायोलॉजी के होते हैं, और साथ में आपको यहाँ पे मैंने पीडीएफ रूप में आपको न्यू सिलेबस भी डाल रखा है, वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, फिर आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़नी है, भाई मेरे को तो केमिस्ट्री एग्रीकल्चर पढ़नी है, तो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट पे क्लिक करोगे, एग्रीकल्चर पे क्लिक करते उसमें जितने चैप्टर अभी तक हो चुके हैं वो चैप्टर आपको दिख जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कि भाई मेरे को 6 चैप्टर पढ़ना है, तो 6 चैप्टर पे फिर क्लिक करोगे तो उसके अंदर जितनी भी वीडियो अभी तक पढ़ा चुके हैं वो सारी वीडियो यहाँ पे मिल जाएंगी। रेगुलरली हम इसमें वीडियो अपलोड करते रहते हैं, डालते रहते हैं, लाइव क्लास है उसको रिकॉर्ड करके यहाँ पे लाइव क्लास को हम डालते हैं ना, तो या तो आप 4 से 7 जो शाम को लाइव क्लास हो रही है उनको ज्वाइन कीजिए, बाय चांस नहीं कर पाए हैं या फिर हम यूट्यूब से तुरंत हटा देते हैं उसको यहाँ पे ऐड कर देते हैं, साथ में हम नोट्स ऐड कर देते हैं चैप्टर होने के बाद में। ठीक है, तो वीडियो में आपको सारी रेगुलरली वीडियो अपडेट करते रहते हैं वो देखिए, और नोट्स में आपको नोट्स मिलते हैं इस प्रकार से। अभी क्या करना है, आप अभी नए जुड़े हो है ना, अगर आप नए बैच में जुड़े हो और अभी रिसेंटली जुड़े हो तो आपको समझ में यहाँ पे ये नहीं आ रहा होगा कि यार इतनी सारी वीडियो, इतने सारे नोट्स हैं, क्या पढ़ूं, कैसे पढ़ूं। आप लाइव क्लास का बड़ा वो चल रहा है भाई, लाइव क्लास में ज्वाइन करनी, बट आप ये तो सोचिए कि लाइव क्लास ज्वाइन करनी है उसमें ऑलरेडी चल रहा है ना, क्योंकि आपने लेट ज्वाइन किया बेटा, थोड़ा तो टाइम लगा है, तो जो चल रहा है हो सकता है वो चीज समझ में नहीं आ रही होगी आपको, तो इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि जो लाइव क्लासेज में चल रहा है चैप्टर है उसकी वीडियो ऑलरेडी आपको तो यहाँ पे मिल रही है, तो पहले आप दिन भर तो फ्री हो, 4 बजे क्लास होती है, 4 से पहले आप फ्री हो तो आप क्या कीजिए, उन वीडियो उस चैप्टर की सारी वीडियो जो है अभी तक पढ़ा चुके हैं, अभी तक जितनी क्लासेज हो चुकी हैं उन क्लासेज को ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ से आप देखिए फिर लाइव क्लास को ज्वाइन करोगे तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा।
तो एकदम से ये मत सोचे कि आज ही बैच ज्वाइन किया है, आज ही मैंने लाइव क्लास ली, आज ही समझ में आना चाहिए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। हम ऑफलाइन में अगर एक महीने लेट जाते हैं तो एक महीने में जितनी क्लास हो चुकी है, जो चैप्टर हो चुके हैं वो भी तो हमारे छूटते हैं ना। अब ऑफलाइन में तो वो कवर ही नहीं होते, वो तो नेक्स्ट रिवीजन होगा तभी कवर हो पाए, या फिर दोस्त से हम कॉपी लेते हैं या वापस से सर से एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं तब समझते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको फायदा है, यहाँ पे जो चैप्टर छूट चुके हैं आपके, आपने लेट एडमिशन लिया है, अगर आपके कोई चैप्टर छूट गए हैं तो वो आपको यहाँ पे सेव मिल रहे हैं, वीडियो पे जाके सेव है, तो आप जो छूट गए हैं, जो आपका मिस हो गया उसको यहाँ से कवर कर लीजिए, फिर रेगुलरली लाइव क्लास जो है उनमें ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। सो इस प्रकार से अब यहाँ पे आपको अपनी समझ लगानी पड़ेगी, आप अगर समझदार हैं, पढ़ाई करनी है आपको सिंसियरली तो पढ़ सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप खुद आप एक महीने लेट हुए आज से जाने और आज से ही हमारे सब टीचर जो है वो वापस से आपको जीरो से स्टार्ट कर दें, बाकी सब बच्चों को छोड़ दें आप ही के लिए स्पेशल, ऐसा नहीं हो पाएगा बेटा, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि आपको जो कवर हो चुका है, जो क्लासेज हो चुकी हैं उनको यहाँ पे आपको देखना है, जो आगे वाली क्लासेज है वो आपको लाइव मिल ही रही है उसको कवर करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको वीडियो और नोट्स मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका ये जो डाउट है कि सर मुझे वीडियो नहीं मिल रहे हैं, नोट्स नहीं मिल रहे हैं, या कहाँ से वीडियो देखूँ कहाँ से नोट्स देखूँ, तो ये क्लियर आपका हो जाएगा, ठीक है। न्यू बैच में जुड़ने के बाद में ये सिंपल से स्टेप्स हैं, इनमें आपको कवर करना है, ओके। उसके बाद में दूसरा जो डाउट है आपका ये आ रहा है कि सर हमें डेली क्लासेज की लिंक कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, मैं लाइव क्लासेज को कैसे ज्वाइन करूँ। सो आपको मैं बता दूँ कि लाइव क्लासेज हमारी यूट्यूब पे होती है शाम को 4 से 7, उसकी लिंक उन्हीं बच्चों को सेंड की जाती है जो बच्चे बैच में ऐड हैं, ठीक है। तो बैच के अंदर मतलब जो ऐप के अंदर है बच्चे हैं उन्हीं को लिंक सेंड की जाती है, वो बच्चे क्लास को ज्वाइन करते हैं यूट्यूब से, तुरंत ही उसको यूट्यूब से हम हटा देते हैं और हम उसको यहाँ पे वीडियो में ऐड कर देते हैं वीडियो को। तो इसके दो ऑप्शन है, एक तो ये है कि आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, सेकंड ये आपको आप सब्सक्राइब कर लिया लिंक कैसे मिलेगी। तो लिंक के लिए आपको क्या करना होगा, आपको ऐप ओपन करना है। लिंक के लिए क्या करना है, सबसे पहले ऐप ओपन करना है, ऐप ओपन करते हैं उस पर होम पेज आता है। तो जब हम क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं वीडियो नोट्स देखने, तो आप यहाँ पे बैच पे क्लिक करते हो, है ना, फिर आपका बैच आता है, फिर वीडियो नोट्स वो मिलते हैं। लेकिन अब आपको लिंक चाहिए जो 4 बजे क्लास होती है उसकी, 3:30 या 4:45 बजे आपको लिंक सेंड कर दी जाती है क्लास से 10 से 15 मिनट पहले। तो आपको क्या करना है, ऐप को ओपन करना है। ऐप ओपन करते नीचे देखोगे इसमें चैट का ऑप्शन आता है, फर्स्ट नंबर पे होम पेज रहता है, सेकंड पे बैच रहता है, थर्ड नंबर पे स्टोर रहता है। स्टोर में क्या होता है कि हमारे जितने भी कोर्स हैं वो सारे कोर्स मिलते हैं, ऑल कोर्स डाल रखे हैं इसमें हमारे, ठीक है, जितने भी कोर्स हैं वो डाल रखे हैं। तो ऑफर चलते रहते हैं तो आप उनको देखते रहें, जो भी आपको कोर्स परचेज करना है यहाँ से ले सकते हैं। और उसके बाद में ये सेकंड नंबर पे होता है, थर्ड नंबर पे यहाँ पे चैट का ऑप्शन आता है, ठीक है। जैसे ही आप चैट पे क्लिक करोगे तो चैट पे क्लिक करते हैं आपको यहाँ पे 3 चीजें या फिर 2 चीजें मिलेंगी। एक तो मिलेगा आपको सबसे पहले श्री गोविंदम क्लासेज का हेल्पलाइन नंबर, यहाँ पे लिखा रहेगा श्री गोविंदम क्लासेज, आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे मैसेज कीजिए, अदरवाइज मेरा नंबर वैसे रहता है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चैट पे क्लिक करना है, श्री गोविंदम क्लासेज मिलेगा। सेकेंड ऑप्शन में क्या मिलता है कि आप जिस भी बैच में एड हो, आप 12th एग्रीकल्चर न्यू बैच में एड हो, तो यहाँ पे आपका ग्रुप बना हुआ है 12th एग्रीकल्चर न्यू बैच, उसमें हालांकि आपको रिप्लाई मैंने ऑफ कर रखा, आप रिप्लाई नहीं कर सकते हो, 12th एग्रीकल्चर न्यू बैच है उसके नाम से यहाँ पे एक ग्रुप बना हुआ है वो दिखेगा। और अगर आप हमारे फ्री बैच में ऐड हो तो फ्री बैच का भी एक बैच ग्रुप बना हुआ है वो दिखेगा, ठीक है। सो 2 या 3 ऑप्शन आपको दिखते हैं यहाँ पे। ये जो 12th एग्रीकल्चर न्यू बैच है या फिर श्री गोविंदम क्लासेज है, यहाँ पे आपको लिंक सेंड कर दी जाती है, तो डेली जब क्लास हो उससे पहले वैसे मैसेज आता है तो आपको भी पता चल जाएगा, तो यहाँ पे वो लिंक सेंड की जाएगी। आप या तो श्री गोविंदम क्लासेज को ओपन कर लें, जैसे आप इसको ग्रुप को ओपन करोगे तो इसमें डेली की क्लासेज की लिंक, क्लास की सब्जेक्ट है ना, क्लास का नाम, एग्री केमिस्ट्री क्लास है इतने बजे होने वाली है, आज का टॉपिक ये है, उसकी लिंक सारी चीजें मैं सेंड कर देता हूँ, तो वो आपको या तो श्री गोविंदम क्लासेज मिल जाएगी। और दूसरा ऑप्शन है कि एग्रीकल्चर जो आपका न्यू बैच है या ओल्ड बैच है, जो भी आपका बैच है उसमें बैच के रूप में सेंड कर दी जाती है, तो यहाँ पे आपको डेली लिंक मिला करेगी, ठीक है। और कुछ बच्चे मेरे से व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं डायरेक्ट पर्सनली, तो उनको मैं व्हाट्सएप पे सेंड कर देता हूँ। तो दोनों ही चीजें व्हाट्सएप पे सेंड आ जाती है व्हाट्सएप पे, तो ठीक है। अदरवाइज आपको ऐप ओपन करना है, ऐप के बाद में चैट ओपन करना है, चैट पे क्लिक करते हैं आपको यहाँ पे श्री गोविंदम क्लासेज 12th एग्रीकल्चर न्यू बैच दिखेगा। अब आपको उस पे ग्रुप पे क्लिक करना है, तो वहां पे आपको लिंक मिल जाएगी, उसको ज्वाइन कर लेना है। जूम ऐप की लिंक भी यही सेंड की जाएगी, जो भी लिंक सेंड की जाती है सारी यही की जाती है, ठीक है। सो व्हाट्सएप पे कोई भी सेंड कुछ भी सेंड नहीं किया जाता है, जिनसे पर्सनली मैं जुड़ा हूं तो उनको मैं सेंड कर देता हूं, और आप भी कर दें तो मैं नंबर सेव कर लूँ, आपको भी कर दिया करूंगी ये चीजें। इस प्रकार से आप लिंक कीजिए, क्लिक करते ही यहाँ पे YouTube पे लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकते हो, बाद में उस क्लास को हम यहाँ पे वीडियो में ऐड कर देते हैं, ओके। थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स, आप बैच में जुड़े, आपका बहुत बहुत स्वागत है श्री गोविंदम क्लासेज पर। और मैं तो ये चाहता हूँ कि आप जुड़े हैं बहुत ही नाममात्र के बीच में, आप अपने दोस्तों का भी भला कीजिए,
उनकी भी हेल्प कीजिए, उनको भी जोड़िए श्री गोविंदम क्लासेज का, 12th एग्रीकल्चर का जो बैच है, या हमारे अदर ग्रुप बैच जो चल रहे हैं, चाहे वो 11th एग्रीकल्चर का है या साथ में जेट आईसीआर का टारगेट बैच चल रहा है लॉन्ग ईयर का, उसमें भी जोड़ सकते हैं। और अगर आपको भी 12th के साथ में जेट की तैयारी करनी है तो आप भी, आपको थोड़ा सा स्पेशल डिस्काउंट दिया जाएगा। अगर आप हमारे किसी भी बैच में ऐड हो, उसके साथ में हमारा दूसरा बैच लेना चाहते हो, दूसरा कोर्स, तो आपको स्पेशली उस पर 10% डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिलेगा। ओके, सो आप हमारे अदर कोर्स भी ले सकते हो, जेट आईसीआर की तैयारी भी 12th के साथ में कर सकते हो। इस प्रकार से घर बैठे आप अपने अच्छे से पढ़ाई कीजिए श्री गोविंदम क्लासेज ऐप के माध्यम से। इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और उनको भी इस बैच में जोड़िए और उनको भी घर बैठे अच्छे से पढ़ने में हेल्प कीजिए। थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स, धन्यवाद।